कोरोना महामारी से जूझते निकले दो सालों के बाद एजुकेशन हब इंदौर के कॉलेजों में छात्रों का शोर मस्ती और अपनी कला का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ऐसा ही कुछ इंदौर के एक फैशन डिजाइनिंग के कॉलेज में गुरुवार देर शाम हुआ और लंबी रात तक फैशन शो चलता रहा। तस्वीरें इंदौर फैशन डिजाइनिंग कॉलेज के फाइनल ईयर की छात्राओं की है जो आपको नजर आ रहा है। इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ ट्रेडिशनल लुक भी दिखाई दे रहा है। आपको ये बताते चलें कि रैंप पर बेहद खूबसूरत परिधानों में नजर आने वाली छात्राएं खुद इसकी डिजाइनर है और तेजी से बदलते फैशन के अनुरूप छात्राओं ने इन्हें बनाया और उसकी नुमाइश अपने साथियों के सामने की। रैंप पर कैटवॉक करती छात्राओं को संगीत का सहारा भी मिला। लंबे अरसे के बाद मिली खुशी को छात्रा ने कैमरे के सामने कुछ यूं बयां किया। कॉलेज प्रबंधक ने भी इस आयोजन में कहा कि दो सालों की उदासी के बाद अब शहर की रौनक लौटी है। पढ़ाई के साथ इस तरह आयोजन माहौल को खुशनुमा बनाते हैं। जो 20-21 कोविड की वजह से सारे कॉलेजेस बंद थे, हम फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स हैं। हमने खुद गारमेंट्स स्टिच करे हैं, बनाए हैं। आज हमें उसको डिस्प्ले करने का मौका मिला है तो हम सब बहुत ही खुश हैं। बहुत एक्साइटेड माहौल है कॉलेज में। हमें इतने टाइम बाद ऐसा मस्ती करने का मौका मिला है तो हमें बहुत ही खुशी है कि हमारे कॉलेज ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और हम सब इन्जॉय करने के लिए एकदम तैयार हैं। ज़ैनब महुवाला। देखिए, आप सब जानते हैं कि दो साल से आज सभी शिक्षण संस्थाएं बंद थी। जैसे कि अब ये कोरोना के बाद दो साल के बाद सभी शिक्षण संस्थाएं पूर्ण तरह खुल चुकी हैं, तो हमने भी एक बच्चों में एक अलग उल्लास देखा है कि कुछ करने का। जैसे कि हम INIFD में फैशन डिज़ाइनिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग के कोर्सेज करते हैं। आज ये जो हुजूम आप जो बच्चों का देख रहे हैं हमारे यहाँ, ये वो बच्चे हैं जो फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर अपना करियर पास आउट कर रहे हैं। कायदे से इन बच्चों को जो पास आउट होना था पिछले जून में पास आउट होना था, जून 21 में, लेकिन ये 22 अभी मार्च में आपके सामने पास आउट हो रहे हैं क्योंकि हमने इनका पूरा सेशन आगे किया कोरोना की वजह से कि ये लोग अपनी प्रैक्टिकल स्टडीज़, क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग हमेशा एक प्रैक्टिकल कोर्स है, तो उस वजह से हमने इनका कोर्स आगे किया। और आज जो ये बच्चे जो आप देख रहे हैं कि इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहन के और अपना काम कर रहे हैं, ये वो बच्चे हैं कि जिन्होंने अपना सारा जो आप गारमेंट्स देख रहे हैं कि जो बच्चों ने पहने हुए हैं, इन्होंने इसको काटा, सिला, सब कुछ खुद ने है। और पूरा ये एक बेसिकली इन लोगों का बोलना चाहिए करिकुलम का सबमिशन था जिसको इन्होंने इतने अच्छे से, इतने खूबसूरत तरीके से सभी अपने, उन्होंने, हम लोगों ने उनके पेरेंट्स को बुलाया है, आप जैसे मीडिया कर्मियों को बुलाया ताकि उन बच्चों को एक प्रोत्साहन मिले। और मैं सभी लोगों से चाहूँगा, क्योंकि अब एक कोरोना के बाद एक सभी से अपील भी करूँगा कि एक उत्साह भरे माहौल की ज़रूरत है। हमने बहुत दो सालों से ये एक बिल्कुल उदासीनता सा माहौल देखा है, सब कुछ बंद, कभी हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था। और आज भी अभी हम देखें तो विश्व में एक बहुत ही गलत सी चीज़ चली रही है, एक वॉर चल रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि आज हमारे देश में या हमारे बच्चे कुछ है कि इन सब चीज़ों से बाहर निकल के अगर एक कुछ प्रयास कर रहे हैं तो इन सभी लोगों को सराहा जाए।